करता हूं दो तस्वीरों के साथ जिसने पिछले दो दिनों में मेरा ध्यान बहुत आकर्षित किया और पूरे देश को वो तस्वीरें देखनी चाहिए और वो दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। और दो तस्वीरें दिखाने का मतलब क्या है समझिएगा, ये दो तस्वीर है। एक तस्वीर जिसमें माननीय श्री 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 ललित मोदी जी हैं और साथ में सुष्मिता सेन है। दूसरी तस्वीर विजय माल्या साहब की है, साहब बोल रहा हूं मैं, समझिएगा, और साथ में है क्रिस गेल, जाने माने क्रिकेटर। ये दो तस्वीरें जिसने मेरा ध्यान बहुत आकर्षित किया। और आप रेवड़िया बांटने की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि भाई मसला तो रेवड़िया बांटने का है, तो आप कहेंगे ये मैं दो तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं। ये दो तस्वीरें दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये था, मैं समझना चाह रहा था, जानना चाह रहा था, और मैंने आंकड़ा भी देखा और इस आंकड़े को देश को जानना भी चाहिए। अब इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा, दो तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई, सरकारी बैंकों का 22,743 करोड़ रुपया लेकर भागे नीरव मोदी, मोहन चौस्की, विजय माल्या, ललित मोदी, ये तमाम भगोड़े हैं। पिछले 7 सालों में बैंकों का 11 लाख करोड़ रुपए के लोन इनके माफ हुए, इनके मतलब समझ रहे हैं आप, कॉरपोरेट लोन की बात कर रहा हूं मैं। क्या ये सब रेवड़ियां थी या फिर नहीं, जवाब दीजिए प्रदीप जी। सुबह की आपने बहुत अच्छा सवाल रखा, सुबह ही मैं आज इसको विस्तार से देख रहा था कि जहां ये समय जिस देश में रह रहे हैं वहां कानूनी प्रतिक्रिया इतनी लंबी है लाने की कि आज भी उस चीज में लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बल्कि हमारी सदी है। आप कह रहे कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है, मैं दाऊद की बात नहीं कर रहा, बता रहा हूँ दाऊद कहा है कि मैं दाऊद की बात नहीं कर रहा, राजेश की आप ही कहते थे ना हम दाऊद को ले आएंगे, मैं दाऊद की तो बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कहते थे भी कह रहे हैं इनके चेहरे से, कहते हैं इनके चेहरे से लग रहा है कि आपको कि इनके ऊपर टेंशन है, हम लोगों को ईएमआई की चिंता होती है कि कल ईएमआई भरनी है, कहां से भरेंगे। इनका चेहरा देखा आपने, फोटो खिंचवा रहे, फोटो खिंचवाते हुए बता रहे सगाई भी नहीं हुई, हम रिलेशनशिप में है, बताइए टेंशन में लग रहे हैं। ये जिस कानून की आड़ में वहां छुपे बैठे हैं उस कानूनी प्रतिक्रिया को मीडिया ने दसियों बार दिखाया और आपने भी दिखाया है, टाटा आपको यही बताना चाहिए इन भगोड़ों से कितने वसूली गए पैसे, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके, ये भी आपको बताना बताओ ना 22,000 करोड़ में से कितने वसूले, मैं बताता रहा हूं अभी 11,000 करोड़ से ऊपर तो कदम। और ये भी बताइएगा, बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, नहीं पूछते हैं मैं जानता हूं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का 1,000 करोड़ रुपया किस किस पार्टी को चंदा मिला, ये भी बताइएगा। डाटा आने दीजिए, ये बताऊंगा, चिंता मत, ये मेरे पास डाटा नहीं है अभी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 1,000 करोड़ रुपया मेरे पास है, किस किस प्रीतपाल जी बता रहे हैं, प्रीतपाल जी बता रहे हैं, बताइए प्रीतपाल जी बताइए, इलेक्ट्रिकल डाटा बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, 99% सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उससे लोन ये मिला। एक मिनट प्लीज प्लीज, सब क्या देश की हमारी मीडिया इनके कारण ढूंढ पा रही, मिस यूनिवर्स ढूंढ लेती है। अरे साहब आपके आपकी पुलिस ने ढूंढ रखा है, कानूनी दायरे में बंदी भी है, अच्छा आपकी ने ढूंढ रखा है, हाँ ढूंढ रखा है, सब कुछ नीरव मोदी हो कोई मोदी हो सब चीजें कब्जे में है, चाहे ललित मोदी हो मोदी जी करो सारी प्रॉपर्टी कब्जे में। DHFL ने बैंकों का 42,000 करोड़ रुपया डकार लिया, कितने 42,000 करोड़। और यह बात सामने आई थी कि जो DHFL है उसने बीजेपी को चंदा दिया था 29 करोड़ का। यह रेवड़ियां नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, सामने आएगा इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, जिसने जो करा वो सामने आएगी, रेवड़ी कोई खा नहीं सकता, देश के कानून और चीजें ऐसी बन गई है कि रेवड़ी खाना। एनपीए 8,00,000 करोड़ पे, क्या ये रेवड़ियां नहीं है? देखिए रेवड़ी का तो यह है, देखिए जब चीजें सामने आती है आप इसे रेवड़ी कह लीजिए या सरकार क्या चाहते हैं आप, देश का सब बट्टादार हो जाए। दीप जी केंद्र सरकार और कुल मिलाकर 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी शासित सरकार है, मेरे ख्याल से अब 19 हो गए, महाराष्ट्र भी है, तो चुनाव आए तो मुफ्त का राशन बांटना प्रधानमंत्री अन्न योजना है ना, तो मैं मुफ्त का राशन उससे अलग हट के बात कर रहा हूं, उज्ज्वला योजना फ्री में सिलेंडर देना, 92 लाख लोगों में से एक भी सिलेंडर नहीं भरवाता, 1,08,00,000 लोग जो हैं वो पहली बार रिफिल करवाते हैं दूसरी बार करवाते नहीं, किसान सम्मान निधि किसानों को मुफ्त में क्या? ना एक मिनट सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, आराम से पूरा वक्त दूंगा। किसान को MSP मिल नहीं रही लेकिन किसान सम्मान निधि दे रहे हैं आप 2,000 रुपए, है ना, आयुष्मान भारत, तो क्या ये भी रेवड़ियां हैं कि नहीं है?
क्या आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई गई है वो किनके लिए चलाई गई है? उन मजदूर उन तबके लिए चलाई गई जो बड़ा अपना बड़ा चिकित्सा जो बड़े खर्चे वो नहीं कर पाते, ये उनके लिए चलाई गई, क्या गलत है क्या? किसान सम्मान निधि 2000 रुपए आप 4 महीने में देते हैं, मगर ये रेवड़ी नहीं है आपके मुताबिक, क्या क्या ये सम्मान है जो 6000 रुपए आप देते हैं 500 रुपए महीने के हिसाब से 500 रुपए में कल्याण हो जाएगा और 5 लोग हैं परिवार के हिसाब से तो 100 रुपए महीना हो गया, ये सम्मान है? आप इसे सम्मान बोलते हैं? मैं तो जी 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 मैं बता देता हूं, देखिए मैं तो कहता हूं चाहे आपकी बात बड़ी है 100 रुपए क्यों नहीं दे रहे आप, मगर आप उन असहाय जो 1 बीघे 2 बीघे 5 बीघे जमीन वाले बैठे हैं वो गरीब किसान जिन्हें आप लॉलीपॉप कह रहे हैं, जिन्हें आप अभी योजना फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं, उन तक पहुंचती है। योजनाएं चलाई, मुफ्त की योजना नहीं थी, ये लोगों की जरूरत थी, हमने इन योजनाओं को चलाना जरूरी था, एक वेलफेयर स्टेट है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन हमारे तमाम राजनेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में घर, ता उम्र पेंशन, अग्निवीर को 4 साल बाद भी कोई पेंशन नहीं, और कोई 4 दिन का विधायक और मंत्री बन जाए तो उनको पेंशन, तो क्या ये रेवड़िया नहीं है? पहले तो मैं बताया था कि सरकारी बंगले में चाहे वो विधायक किसी पार्टी का रहता हो या सांसद रहता हो, चाहे बिजली का बिल हो चाहे पानी का बिल हो, वो उसको देना पड़ता है, वो फ्री नहीं होता है, और वो सांसद की नियत होती है वो बिजली का बिल भरता है या नहीं भरता है। अच्छा, बिजली का, और बहुत लोगों में बिजली का बिल, जी बिजली का बिल बिल्कुल जी जी बिजली का बिल सांसद को भरना पड़ता है, होंगे सर टेलीफोन का भी देते होंगे और ट्रेन पर जो जाते हैं उसका भी देते होंगे आपके मुताबिक? नहीं, जो जो चीजें सरकार से तो जो चली आ रही है फ्री की वो तो चली आ रही है। चाहे और हाँ, एक दिलचस्प बात ये तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई कि कितना दिलचस्प है ना, मिस यूनिवर्स और एक तरफ मिसिंग इंडिया है देश, और मोदी सरकार हमारी देश की सबसे मजबूत सरकार इन्हें नहीं ढूंढ पा रही, 7 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, और मैडम ढूंढ लेती है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही कहा, सही है ना? क्रिस गेल बताइए, यहां पर जनाब जो है, तस्वीर दिखाइए, यहां पर जनाब जो है हाफ पैंट में घूमते हैं, लेकिन वहां पर देखिए कुर्ता पजामा पहना हुआ है, इंडियन कल्चर का कितना ख्याल है साहब को, है ये वो कैलेंडर वाले हैं, समझ रहे हैं ना?